दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे ऋषिकेश के रामझूला और रामझूला के आसपास के दृश्य। और यह है ऋषिकेश का सीता झूला, जानकी झूला। आप देखेंगे रामझूला से जानकी झूला तक। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं, यह है रामझूला। मैं बताना चाहता हूँ, लक्ष्मण झूला से वापस रामझूला हम आ गए हैं और देख रहे हैं, यह है रामझूला। और यहाँ से होकर हम पैदल मार्ग द्वारा जाएंगे जानकी झूला। तो देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों, लक्ष्मण झूला से वापस आकर हम रामझूला आ गए हैं पैदल मार्ग द्वारा। और ये है सामने रामझूला, और रामझूला से होकर हम जाएंगे जानकी झूला पैदल मार्ग द्वारा। दोस्तों, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन और ऑल भी कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देख रहे हैं, सामने है रामझूला। देखिए रामझूला की सुंदरता। अभी आपने लक्ष्मण झूला देखा है, लक्ष्मण झूला बिल्कुल डैमेज हो चुका है और लक्ष्मण झूला की जगह बजरंग सेतु, जो कि कांच का बनाया जा रहा है, बजरंग सेतु बनाने का काम चल रहा है, जिसे आप मेरे पिछले वीडियो में देख पाएंगे। यह है रामझूला, आप देख रहे हैं रामझूला। रामझूला को देखिए बहुत ही नज़दीक से, और रामझूला के नीचे गंगा जी का दर्शन कीजिए। दोस्तों, ऋषिकेश हम हर साल आते हैं और ऋषिकेश करीबन पिछले 18 साल से आ रहे हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण झूला से वापस आकर रामझूला में हम अपना लंच करेंगे, उसके बाद जानकी झूला की तरफ पैदल मार्ग द्वारा जाएंगे। रामझूला से लक्ष्मण झूला तक जो पैदल का रास्ता है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वही नमकीन वाले हैं जिनसे हमने नमकीन खरीदा था लक्ष्मण झूला जाते समय। और रामझूला हम पहुंच गए हैं, देख रहे हैं, ये है रामझूला। और रामझूला से हम आगे जाएंगे जानकी झूला, और जानकी झूला जाने से पहले हम यहाँ पर लंच करेंगे चोटी वाला में। देख रहे हैं रामझूला, बने रहे वीडियो में, देखते रहे वीडियो को। यह है रामझूला, देख रहे हैं रामझूला दोस्तों, रामझूला। और ये देखिए रामझूला, चलिए आपको अंदर जाकर दिखाते हैं रामझूला के दृश्य। देखिए रामझूला के ऊपर हम खड़े हैं, और गंगा जी का दर्शन कीजिए यहाँ से। अब चलते हैं होटल के तरफ, लंच करेंगे रामझूला के इस तरफ। देखिए एक मंदिर है, रामझूला के इस तरफ मंदिर है। देखिए स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज, और ये देखिए रामझूला इधर से। देखिए नज़दीक से गंगा जी का दर्शन कीजिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य माँ गंगा का। देखिए ये है रामझूला, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोस्तों आप भी कभी आइए यहाँ पर, आज बादल बारिश हो रही है, आज देख रहे हैं बादल छाई हुए। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, लंच करेंगे, लंच करने के बाद जानकी झूला की तरफ जाएंगे। बने रहे वीडियो में, देखते रहिए इस वीडियो को। मंदिर में बहुत भीड़ है। स्वादिष्ट है। अब हम सीता झूला, जानकी झूला की तरफ जा रहे हैं।
देख रहे हैं ये पैदल मार्ग है गंगा जी के बिल्कुल किनारे किनारे, और यहाँ रास्ते में गीता भवन है। गीता भवन में भी कुछ देर रुकेंगे और जाएंगे जानकी झूला की तरफ। बारिश हो रही है देख रहे हैं दोस्तों, चोटी वाला का दृश्य आप मेरे दूसरे वीडियो में देख पाएंगे जहाँ पर हमने लंच किया है। दोस्तों लक्ष्मण झूला की जगह एक नया झूला बनाया जा रहा है जिसे आप मेरे दूसरे वीडियो में देख पाएंगे। देख रहे हैं गंगा जी के किनारे छोटे छोटे दुकानें लगी है, ये ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते में ही है। देख सकते हैं गंगा जी, और हम गीता भवन आ गए हैं। यह है गीता भवन। दोस्तों गीता भवन अगर आप लंच टाइम आते हैं तो यहाँ के कैंटीन में शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल सकता है। गीता भवन के अंदर जाएंगे। यह है गीता भवन, देख सकते हैं यहाँ पर कीर्तन वगैरह हो रही है। यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठेंगे, विश्राम करेंगे। गीता भवन के अंदर के दृश्य देखिए दोस्तों, गीता भवन में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ पर। यहाँ फ्री में रहने के लिए कमरा मिलता है। ये गीता भवन का ऑफिस है यहाँ पर, और हमने ऑफिस में पता किया है कि आने से पहले फ़ोन करना है, और कमरा ये फ्री में देते हैं परिवार के लिए है, सिर्फ फैमिली वालों के लिए, और 1000-1500 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं। और अपने श्रद्धा से जो आप देना चाहें यहाँ दक्षिणा दे सकते हैं, और सिक्योरिटी बाद में वापस मिल जाएगा। यहाँ का नंबर हम शो करेंगे इस वीडियो में, देख सकते हैं ये ऑफिस है, और इस नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हैं गीता भवन से। अब हम बाहर जा रहे हैं दोस्तों। गीता भवन में कम से कम 1000-2000 कमरे हैं। सिर्फ नवरात्रि के समय कमरा मिलना मुश्किल होता है। मई से लेकर अक्टूबर तक आप फोन करके यहाँ पर आएं। यहाँ एक गीता भवन में पुस्तकालय है, अभी बंद है, पुस्तक भंडार है, गीता प्रेस वस्त्र विभाग, यहाँ गीता प्रेस का वस्त्र मिलता है, सारे कपड़े खादी के मिलते हैं यहाँ पर। अब हम यहां से जानकी झूला की तरफ जा रहे हैं। यहां से हम जानकी झूला जाएंगे, और जानकी झूला के रास्ते मार्केट को देखिए, यहां भी दोनों तरफ दुकानें हैं। भोजन से लेकर पूजा हवन के लिए बर्तन हो या घर सजावट के सामान हो, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हरिद्वार हो या ऋषिकेश, यहाँ हर मौसम में हर मौसम के लिए कपड़े मिलते हैं। यह है परमार्थ निकेतन। दोस्तों देखते हैं परमार्थ निकेतन के अंदर के दृश्य को।
यहाँ एक कैंटीन है, अगर आप समय पर आते हैं तो भोजन भी मिल सकता है। यह है परमार्थ निकेतन जो राम झूला और जानकी झूला के रास्ते में है। सत्संग हॉल परमार्थ निकेतन में। दोस्तों, जब भी हम यहाँ आते हैं कम से कम एक घंटा यहाँ पर विश्राम करते हैं, और यहाँ पर खाने पीने के लिए कैंटीन भी है। भगवान जी ने जितने अवतार लिया है सारे अवतार के यहाँ पर देखिए तस्वीर है, भगवान जी की मूर्ति है और यहाँ पर नाम लिखा है कितने अवतार लिया है भगवान जी ने। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, याग्रीव अवतार, मोहिनी अवतार, यज्ञ पुरुष अवतार, ध्वनंतरी अवतार, बामन अवतार, हंस अवतार, ध्रुव नारायण अवतार, और यह है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नर नारायण अवतार, क्षीर सागर में भगवान विष्णु, और यहाँ है ज्ञानेन्द्र मोक्ष, विट्ठल नाथ जी, नरसिंह अवतार, और यह है कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, और परशुराम जी अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, तिरुपति बालाजी अवतार, और यह है लास्ट में जगन्नाथ जी अवतार। भगवान जी का विराट रूप, ये सारे देवी देवताओं के मूर्तियां। शायद यहां पर भजन कीर्तन भी होता होगा। परमार्थ निकेतन से अब हम बाहर जा रहे हैं। अब हम यहां से बाहर निकल रहे हैं और जानकी झूला की तरफ जा रहे हैं। सामने शिव जी की मूर्ति, ज़्यादा वर्षा होने पर गंगा जी में ज़्यादा पानी आ जाने से शिव जी की मूर्ति कई बार डूब जाती है। देख सकते हैं शिव जी की मूर्ति, गंगा जी में ज़्यादा पानी होने से शिव जी की मूर्ति कभी कभी डूब जाती है। आपने कभी खबरों में देखा होगा अक्सर बाढ़ आने पर ये शिव जी की मूर्ति डूब जाती है। परमार्थ निकेतन। अब हम यहाँ से जानकी झूला की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इस रास्ते में एक गौशाला भी है, शायद जानकी झूला से आगे है। दोस्तों, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख रहे हैं सामने जानकी झूला आ गए हैं अब। जानकी झूला देख रहे हैं दोस्तों, जानकी झूला। लक्ष्मण झूला टूट गया है और लक्ष्मण झूला के जगह बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। राम झूला होते हुए अब हम जानकी झूला आ गए हैं और देख रहे हैं सामने, जो सामने देख रहे हैं बाइक वगैरह, पैदल यात्री जा रहे हैं, बाइक वगैरह जा रही है, साइकिल, और वहां से होकर हम उस पार जाएंगे, सामने उस तरफ जाएंगे, और वहां पर ऑटो वगैरह जो भी मिलेगा वहां से होकर हम रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, और वहां से होकर हरिद्वार ट्रेन से जाएंगे।
ये है जानकी झूला। देखिए सामने है जानकी झूला ऋषिकेश में। अब आपको थोड़ा सा और आगे जाकर दिखा रहे हैं जानकी झूला, और जानकी झूला से होकर ही उस पर हम जाएंगे। जानकी झूला देखिए दोस्तों बहुत ही नज़दीक से, जानकी झूला ऋषिकेश में है देख सकते हैं, और गंगा जी बहुत ही रफ्तार से बह रही है। अब हम झूला के उस पार जाएंगे, झूला से होते हुए जाएंगे। जानकी झूला देख सकते हैं, यहाँ से अंदर जाना है और झूला के अंदर से होते हुए उस पार जाना है। दोस्तों अगर आपने कभी जानकी झूला नहीं देखा है तो यहाँ जरूर आइए ऋषिकेश में और जानकी झूला देख कर जाइए, और गंगा जी का नज़ारा और गंगा जी का दर्शन करके जरूर जाइए। देख सकते हैं ये है जानकी झूला, देखिए ये है जानकी झूला देख सकते हैं। अब इससे होकर हम उस पर जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देख रहे हैं।